वैशाली लोकसभा चुनाव में आप देख सकते हैं कि मतदान कितना तेजी से चल रहा है। दिन के 11 बज चुके हैं और महिलाओं की संख्या इस बूथ पर, मरमन स्कूल का ये बूथ है और इसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा दिख रही है, चूँकि आधी आबादी लोकतंत्र के निर्माण में काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। मैं बता दूं कि दो दिग्गजों की लड़ाई है यहाँ पर दो दिग्गजों की लड़ाई है और उस लड़ाई में जो मतदाता है उसकी अहम भूमिका है, उनका भाग्य का फैसला इन लोगों के हाथ में है। खासकर जो महिलाएं वोटर हैं वो ज़्यादा देख रही हैं और इसमें फर्स्ट टाइम वोटर जो इस बार लोकतंत्र के महापर्व में पहली बार वोट गिराने आए हैं। क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? सत्यम कुमार। पहली बार वोट गिराने आए हो? हाँ। क्या सोच के आए हो, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा? मुझे बोलना है। अच्छा, काफी उत्साह भी है वोट गिराने को लेकर? है। महिलाएं से भी बात करेंगे, काफी महिलाएं हैं जो पहली बार भी मतदान करने पहुंची हैं। भीड़ इतनी अधिक है क्योंकि महिलाओं की अहम भूमिका होती है इसमें, और जो चूँकि लोकतंत्र के निर्माण में महिलाओं की भूमिका अहम मानी जाती है, चूँकि आधी आबादी की बात होती है तो महिलाएं वोटर घरों से निकलकर इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निकली हैं। क्या नाम हुआ? फरजाना। पहली बार वोट गिराने, क्या एक्सपीरियंस रहा, कितना उत्साह है वोट गिराने को लेकर? बहुत ज़्यादा। मतलब देश निर्माण में पहली बार भूमिका निभाने जा रहे हैं। काफ़ी उत्साह वोट देने के जी। देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो काफ़ी उत्साह दिख रहा है कि पहली बार वोट गिराने जा रहे हैं। बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कमरुल हसन। लोकतंत्र के इस महापर्व में इतनी उमस भरी गर्मी में निकल के आए हैं, मज़ा आ रहा है? जी हाँ। जी, चूँकि ये एक ऐसी चीज़ है कि आप अपना हक समझ के आ रहे हैं। ये हक है, हक है ना? देख सकते हैं कि अपना हक समझ कर वोट गिराने हैं। अब क्या अब वोट गिराने में उत्साह काफी? ये समाप्त हो गया तो प्रजातंत्र। हक समझ के हम लोग गिराने आए हैं, वोट तो गिराना जरूरी है। अच्छा, महिलाओं से बात करेंगे क्योंकि महिलाओं की भूमिका यहाँ ज़्यादा दिख रही है। वोट में भीड़ अधिक है और इस दरमियान महिलाएं जो है घरों से निकलकर सामने आई हैं। घर में नाश्ता उस्ता बना के आई हैं कि बिना नाश्ते के? नहीं, बना कर आए हैं। बना के आए हैं जी। चूँकि ये वोट देना बहुत बड़ा ज़रूरी चीज़ होता है, ये मानती हैं जी? हाँ जी। अपनी भूमिका निभाने आई है जी? हाँ जी। देख सकते हैं चूँकि रूरल एरिया है और महिलाएं जो है अपने घरों में काम काज कर कर मतलब नाश्ता वगैरह बना कर घर से निकल कर पहले अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए, चूँकि देश निर्माण में सारे लोगों की अहम भूमिका होती है, ऐसे में महिलाएं भी अपना हक समझकर इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए घरों से निकल कर वोट गिराने के लिए लाइन में लंबी लंबी लाइन में खड़ी है, इतनी हाई टेम्परेचर में भी। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर।